आप देख रहे हैं न्यूज लाइन खबरों की तहतर। नमस्कार, मैं हूं सादिया खान और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन खबरों की तहतर। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं प्रेम ज्वेलर्स, आसान किस्तों में ज्वेलरी उपलब्ध, श्री सागर स्वीट्स, पहाड़पुर चौराहा, कुर्सी रोड, लखनऊ, स्मॉल पार्टी वाले, हेल्दी फूड ऑन योर डोर, लखनऊ ज्वेलर्स, छुयापुरवा चौराहा, जानकीपुरम, लखनऊ। अयोध्या के दीपोत्सव ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड। अवध विश्वविद्यालय के वॉलंटियर ने एक बार फिर कायम किया रिकॉर्ड। 584,572 दीपक जलाकर अवध विश्वविद्यालय ने तोड़ा अपना रिकॉर्ड। अयोध्या दीपोत्सव के नाम चौथा रिकॉर्ड बना। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अंकित होगा अयोध्या का नाम। श्री राम की भूमि पावन अयोध्या में सलिल सरयू के तट पर शुक्रवार की शाम को त्रेता युग जीवंत हो उठा। यह हेलीकॉप्टर से राम की पैड़ी के रामकथा पार्क में भगवान श्री राम, सीता जी तथा लक्ष्मण के स्वरूप में उतरने पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने स्वागत किया। श्री राम, माता सीता व लक्ष्मण जी रथ पर सवार होकर रामकथा पार्क पहुंचे। रामकथा पार्क के मंच पर श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। राज्यपाल, मुख्यमंत्री व अन्य विशिष्ट जनों ने राम, सीता और लक्ष्मण की आरती उतारी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तथा उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने आरती की। रथ पर सवार होकर रामकथा पार्क पहुंचे श्री राम, माता सीता व लक्ष्मण जी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने हेलीकॉप्टर से सरयू तट पर उतरे भगवान राम, सीता व लक्ष्मण के स्वरूप के आगमन पर उनकी अगवानी करने के साथ ही हर्ष व्यक्त किया। इससे पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर श्री राम लला की पूजा भी की। यहां पर करीब 500 वर्ष बाद दीपक जला और धनतेरस के पर्व पर दीपावली की पूजा की गई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले रामकथा पार्क में श्री राम से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। रामनगरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी है। दीपोत्सव को लेकर लोगों का उमंग चरम पर है। इस अवसर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तो राजा अयोध्या बिमलेंद्र मोहन मिश्र ने सीएम योगी आदित्यनाथ को अंगवस्त्र भेंट किया। इससे पहले श्री राम के जन्म से लेकर उनके राज्याभिषेक की कहानी बयां करती झांकियां भी निकाली गईं। रथ की शक्ल में ऐसी 11 झांकियों के बीच देश के विभिन्न प्रांतों से आए चुनिंदा लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। अयोध्या में झांकी शोभा यात्रा की शक्ल में करीब 3 किलोमीटर का सफर तय कर रामकथा पार्क पहुंची। लोक नृत्य की 20 टीमें झांकियों के साथ लोक नृत्य कर रही थीं। इस चौथे दीपोत्सव 2020 पर डाक विभाग के माध्यम से राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने जारी किया दीपोत्सव विशेष डाक आवरण व विरूपण भी जारी किया। उत्तर प्रदेश के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल कौशलेंद्र कुमार सिन्हा तथा लखनऊ मुख्यालय परिक्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल विवेक कुमार दक्ष ने राज्यपाल मुख्यमंत्री को विशेष आवरण देकर विशेष विरूपण करवाया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, कुलपति प्रोफेसर रविशंकर सिंह, प्रवर अधीक्षक डाकघर आर्यन यादव व सत्येंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान पोस्ट मास्टर जनरल विवेक कुमार दक्ष ने बताया कि दिव्य दीपोत्सव के विशेष आवरण से देश विदेश के पर्यटक अयोध्या दर्शन करने को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर अधीक्षक डाकघर श्री यादव ने बताया कि विशेष आवरण का मूल्य ₹25 रखा गया है तथा ये फिलेटलिक ब्यूरो के माध्यम से बिक्री की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राम मंदिर निर्माण से पूरा हुआ 5 सदी का संकल्प, अयोध्या को बनाएंगे दुनिया की सबसे सुंदर नगरी। इस अवसर पर हेलीकॉप्टर से पुष्प की वर्षा भी की गई। अयोध्या से हमारे संवाददाता कार्तिक कुमार की रिपोर्ट। अब समय हो चुका है ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज लाइव खबरों की तह तक। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए रेड बटन को प्रेस करें और आइकन बेल दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज लाइन खबरों की तहतर।